हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख ली हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने घटना चक्र की बुक से लिए हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसलिए क्विक रिवीजन करेंगे। सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी इसमें और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको जो नवंबर अक्टूबर या फिर दिसंबर जनवरी ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम तक भूल जाते हैं ये, इसलिए इसे रिवाइज करेंगे। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में, सबको पता होगा, हैदराबाद तेलंगाना में। उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि हमारे पृथ्वी साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं। साइंस एंड टेक डॉक्टर जितेंद्र। उसके बाद बात करेंगे दूसरा वाला, महाकाली नदी हेतु एक सेतु प्रोजेक्ट पे समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच। ये धारचूला जो जगह है ये एक भारत में भी है नेपाल में भी है, तो दोनों के बीच कनेक्टिविटी के लिए सेतु का उद्घाटन महाकाली नदी पर हो रहा है। नदी का नाम पूछा जा सकता है। महाकाली को और किस नाम से जानते हैं? तो शारदा के नाम से जानते हैं। शारदा नदी जो कि उत्तराखंड से निकलती है काला पानी से, और उसके बाद जाके घाघरा नदी में मिल जाती है, घाघराबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये चीज़ें इस तरह की जो चीज़ न्यूज़ में रहती है वो नदी से क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक जांच समिति बनी है, इसके अध्यक्ष कौन है? 3 सदस्यीय समिति बनी है ये, सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में, जब पंजाब गए थे जनवरी में। पूछा जा सकता है कि पंजाब में जो ये कहानी हुई थी वो कब हुई थी, किस मंथ में हुई थी? जनवरी में हुई थी। और ये दोनों काम भी जनवरी का है, ओपन रॉक म्यूजियम और महाकाली नदी पे जो सेतु समझौता हुआ है। फिर अगला है चौथा नंबर, संसदीय विधानसभा दोनों के चुनाव में जो चुनाव व्यय है उसमें वृद्धि की बात की गई है। बड़े राज्यों की बात करें तो संसदीय क्षेत्रों में पहले जो 70 लाख था उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 95 लाख। ये किसकी बात की जा रही है? संसदीय चुनावों की। विधानसभा के लिए बड़े राज्यों में 28 लाख पहले थी लिमिट खर्च करने की, उम्मीदवारों के लिए फिर है अब 40 लाख। मतलब जो अभी बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ उसके लिए लिमिट क्या थी? 40 लाख। उत्तर प्रदेश के लिए 40 लाख थी, उत्तराखंड के लिए 40 लाख थी, पंजाब के लिए 40 लाख थी, लेकिन गोवा और मणिपुर के लिए कितनी थी लिमिट? तो छोटे राज्यों वाला लेंगे विधानसभा वाला 28 लाख, जो कि 20 से बढ़ा के 28 किया गया है। और बड़े छोटे राज्यों में अगर संसदीय चुनाव की बात करें तो 54 से 75 लाख कर दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का भी देख लीजिए, क्योंकि इसका जो पैसे की लिमिट है वो अलग है, इन सबसे छोटे राज्यों बड़े राज्यों दोनों से अलग है। तो जम्मू कश्मीर का सिस्टम अलग है, सिस्टम तो लगभग एक ही है लेकिन उम्मीदवारों जो खर्च कर सकते हैं वो अलग है। संसदीय चुनाव के लिए 95 लाख है लिमिट और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख है। तो 28 लाख वाला तो सेम है जैसा छोटे राज्यों के लिए है विधानसभा चुनाव में 28 लाख, उतना ही जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अगर संसदीय चुनाव की बात करें तो छोटे राज्यों की बात करें तो 75 लाख है, जबकि जम्मू कश्मीर का 95 लाख है। अब पांचवा क्वेश्चन आता है, बीना जो कि एमपी में एक जगह है, पनकी जो कि कानपुर में एक जगह है यूपी में, उनके बीच बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत की गई है। तो पूछा जा सकता है कि ये उत्तर प्रदेश के कितने जिले इससे लाभान्वित होंगे? तो 5 जिलों से उत्तर प्रदेश में होकर गुजरेगी। कौन कौन से हैं तो याद कर लीजिए, जो मैप में अगर आप देखेंगे तो दिखेगा कि ललितपुर जो है तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो वहीं से ये एंटर करती है परियोजना। तो यहाँ पे ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात दोनों, इसलिए मैंने यहाँ पे दो लिखा है, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात। और मध्य प्रदेश के 2 जिलों से होकर गुजरेगी, वो दो जिले कौन से हैं? टीकमगढ़ और सागर। टीकमगढ़ अगर कोई MPPSC का पेपर देगा तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद इसमें कितने रुपए खर्च होंगे, इसकी जो लागत है कितनी आएगी? तो 1,524 करोड़ रुपए, 1,524 करोड़ रुपए इसकी लागत है। फिर देखेंगे छठवां क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है मेरठ में, किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। और इसमें कितने रुपए का खर्चा आया है? 700 करोड़ रुपए। तो यूपी करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, मेरठ में किसके नाम पे किया गया है? मेजर ध्यानचंद के नाम पे। गंगा एक्सप्रेसवे का की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? यूपी में शाहजहांपुर में। इसकी लंबाई कितनी है? तो अभी तो है 594, बाद में इसको बढ़ाने की भी बात की जा रही है, बाद में बढ़ता ही जाएगा, तो 594 इसकी लंबाई है। लागत कितनी आई है? 36,200 करोड़ रुपये। ये पूरा किलोमीटर याद कर लीजिएगा, 594। कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी? तो शुरुआत होगी इसकी बिजौली गांव, जो कि मेरठ में है, और कहाँ तक जाएगा? प्रयागराज के गांव जूड़ापुर दांदू तक, प्रयागराज के जूड़ापुर दांदू तक जाएगा बिजौली गांव से, मेरठ से शुरुआत होगी। बीच में कौन कौन से ज़िले पड़ेंगे? तो इसमें UPPCS ऐसा खूब क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से ज़िले से होकर गंगा एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगा। फिर 12 जिले हैं जिससे होकर गुजरेगा यूपी में, कौन कौन से? मेरठ से शुरू होगा, मेरठ से शुरू हुआ हापुड़, मतलब
पहला और आखिरी तो याद रखिए, उसके बाद हापुड़ मतलब कहीं से कोई चलेगा तो पुड़ी उड़ी बांध के चलेगा तो हो गया हापुड़। फिर बुलंदशहर, हौसला भी बुलंद होना चाहिए, रास्ता लंबा है। अमरोहा में क्या फेमस है? ढोलक। अमरोहा का अपने उत्पाद देखा होगा तो उसमें ढोलक फेमस है, तो अमरोहा से ढोलक उलक लेके चले, संभल संभल के चले। संभल से बदायूं, बड़ा सा यू आकार में एक कारवां चल रहा है, ये ऐसे दिमाग में इमेज बनाइए तो बाद में जब ऑप्शन दिखेगा तो दिक्कत नहीं होगी। फिर शाहजहाँपुर पहुँचे, क्योंकि शाहजहाँपुर में तो उद्घाटन हुआ है इसका, तो ये याद रहना चाहिए। फिर हरदोई, हर कोई जल्दी जल्दी चल रहा है, इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करिए, बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उन्नाव पहुँचे, हर कोई उन के साथ करते, मतलब एक दूसरे के साथ, उनके साथ उन्नाव पहुँचे। उसके बाद रायबरेली से थोड़ा झुमका उमका भी पहन लिया, अभी पहुँचने वाले हैं तो अच्छे दिखना चाहिए। उसके बाद बरेली नहीं याद रखिएगा, ये रायबरेली है, बरेली का झुमका फेमस है, लेकिन रायबरेली आना चाहिए, थोड़ा रास्ते का इमेज बनेगी तो रायबरेली याद रहेगा। फिर प्रतापगढ़, थोड़ा ताकत की ज़रूरत पड़ी, प्रतापगढ़ के लोग बहुत ताकतवर, ऐसे याद कर लीजिए, थोड़ा नाम से लग रहा है प्रतापगढ़। उसके बाद फिर प्रयागराज पहुँच गए, प्रयागराज तक ही जाना था तो रास्ते में कौन कौन सा जिला पड़ा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन, पासीघाट जो कि असम में है, तो पासीघाट भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, असम भी, वहाँ पर आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना की जा रही है, कर कौन रहा है? आयुष मंत्रालय के द्वारा सर्वानंद सोनोवाल जो कि आयुष मंत्री हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत 2 लाख ग्राम पंचायतों में GIS योजना पूर्ण हो चुकी है, 2.5 लाख में से 2 लाख गांव में जो इमेजिंग होगी, अर्थ की इमेजिंग मतलब गांव की इमेजिंग, जो भूमि की इमेजिंग, जिससे लोग किसान जो है समझ पाएंगे किस टाइप का मौसम है, इसके लिए ये चीज़ हो रही है। आगे चलेंगे, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये जो GIS योजना चल रही है किस योजना के अंतर्गत या किस मंत्रालय के अंतर्गत चल रही है, तो ये मनरेगा योजना के अंतर्गत किस मंत्रालय के अधीन आएगी, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। GIS क्या है? भौगोलिक सूचना सूचना प्रणाली, कहाँ गया, भौगोलिक सूचना प्रणाली, GIS। उसके बाद फिर अगला चलेंगे, सितंबर 2020 में बना कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून बने थे, कब बने थे ये बने थे सितंबर 2020 में पूछा जा सकता है, और कैंसिल कब हुए? नवंबर 2021 में, तो मंथ वगैरह पूछे जा सकते हैं कब कैंसिल हुआ, इसका मंथ पूछा जाता है, UPSC में काफ़ी पूछा जाता है, तो सितंबर 2020 में बना था, नवंबर 2021 में इसे निरस्त किया गया। फिर अगला है 11वां नंबर, नागालैंड में हुई हिंसा, एक हिंसा हुई जिसमें 8 लोग मारे गए, तो पूछा जा सकता है कि ये किस जनजाति के लोग थे, या फिर ये जनजाति किस राज्य में निवास करती है, कोयांग जनजाति, कहाँ से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है, और वहाँ पे म्यांमार नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तीनों से संबंधित है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे कांड कहाँ हुआ था? नागालैंड में। अगला यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनते जाइए, बस ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का एक फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसमें मार्केट स्टडी करने के लिए, उस पर रेगुलेशन लगाने के लिए एक निर्णय लिया गया है, और एक रिपोर्ट दी गई है जिसका नाम है भारत में दवा के क्षेत्र पर बाजार अध्ययन, जिसमें ज़्यादा महंगी दवाइयाँ ना मिले, सभी चीज़ें सही रहे इस सेक्टर में, उसके लिए काम किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। और इसका गठन कब हुआ था? 2003 में हुआ था इसका गठन, और 2002 के एक एक्ट के तहत इसका गठन हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। आगे चलेंगे, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में विनिवेश की बात की जा रही है, तो कितने परसेंट विनिवेश करेगी सरकार इसमें? 29.54%। और इसका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? उदयपुर में, राजस्थान में। ये किसके किसके क्षेत्र में काम करती है, कौन से धातुओं के? तो जस्ता सीसा चांदी कैडमियम। आगे चलेंगे, स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBM यू मतलब अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ कब से किया गया? तो 1 अक्टूबर 2021 से। इसके अंतर्गत अमृत 2.0 के अंतर्गत 4700 शहरों को जल सुरक्षित किया जाएगा, मतलब जल की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। 2.68 करोड़ परिवार के लिए नल से जल की व्यवस्था की जाएगी। अगला चलेंगे, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, कहाँ पे ये मनाया गया? तो ये 17 नवंबर से 19 नवंबर तक चला, झांसी में। इसको किसने आयोजित किया था, उद्घाटन किसने किया था? राजनाथ सिंह ने। याद रखिएगा, ये 19 नवंबर जो है ये रानी लक्ष्मीबाई का बर्थडे होता है, जयंती होती है। आगे चलेंगे, CBI और ED निदेशकों के कार्यकाल में वृद्धि की गई, 5 वर्ष किया गया कार्यकाल। पहले ये कितना था? तो पहले 2 वर्ष था, और इसको बढ़ा के आगे एक्सटेंड किया जा सकता था, लेकिन अब फिक्स है 5 साल। तो इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया गया है, तो 2 अध्यादेश आए। आगे चलेंगे, 17वां नंबर, भारत द्वारा पश्चिम बंगाल में 7 एकीकृत चेक पोस्ट तैयार किया गया है, ये किसने तैयार किया है? तो पूछा जा सकता है किस राज्य में तैयार किया गया है? पश्चिम बंगाल में, कनेक्टिविटी के लिए भारत और पश्चिम बंगाल के बीच में।
तो फिर आगे इसे किसने तैयार किया है, तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसे तैयार किया गया है। आगे चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि क्रम उसका और वही क्रम, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर ड्रोन देखे गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है नेपाल, म्यांमार, भूटान में, तो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए कि इसमें दिक्कत ना हो। बांग्लादेश सबसे लंबी, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा। नेपाल पहले आता है, फिर म्यांमार आता है, फिर भूटान आता है, याद रखिएगा। फिर है 19 नंबर, 20वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक सम्मान मिला। ये कहाँ पे, कहाँ का है ये परेड, कहाँ पे हुई थी? गोवा में, गोवा शिपयार्ड में ये परेड हुई थी। तो राष्ट्रपति सम्मान किसको मिला है, यहाँ 22वें की जगह कुछ और लिख सकते हैं, 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को ये सम्मान प्राप्त हुआ। फिर आगे चलेंगे, मींदम मंजपई योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। किस लिए थी ये? जो प्लास्टिक बैग, सिंगल यूज बैग है, उनको रिप्लेस करके कपड़ों के थैलों में परिवर्तित किया जाए, मतलब कपड़े के थैले ज़्यादा यूज़ किए जाएँ, उसको बढ़ावा देने के लिए ये मींदम मंजपई योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। और इसी तरह की एक लखनऊ में एक योजना जो चल रही थी, थैला बैंक योजना, कहाँ की है? लखनऊ की। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे एक नंबर दिया, अगर आपको UPVCS की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, जो कि 500 रुपीज़ की है, एवरी संडे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके एक्सप्लेन्ड मेरे द्वारा लिखे गए सभी आंसर्स मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।